दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 14 खबरें लेकर के आए हैं, एक एक करके सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप सब भाई बहन जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके अपनी बेल को जरूर दबा लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और जो हमारे भाई बहन जो वीडियो को लाइक नहीं करते वो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि और भी बहनें चैनल से जुड़ सके। सबसे बड़ी खबर आप लोगों को हम बता दें, लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में हम आपको बताना चाहेंगे, वहां से उर्वशी बहन है, उन्होंने हमें ये भेजा है। लखनऊ के द्वारा ये जानकारी है कि 47,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा होगी खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने 47,000 आंगनबाड़ी बहनों की नौकरियां छीन ली है, मान करके चलिए, क्योंकि सभी के अभी नोटिस जारी हो रहे हैं कि आपको सेवा से बाहर किया जाता है और आपकी मानदेय बंद की जाती है। ऐसे कई लेटर आपने अलग अलग जिलों में जारी हुए देख भी लिए हैं। अब ऐसे में बता दें, 62 साल के ऊपर की कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त की जा रही है। यूपी में 1,88,000 बताया जा रहा है, 259 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है कार्यरत है। सिर्फ ये आंगनबाड़ी बहने हैं 1,88,259 बहने, ऐसे में सहायिका भी हैं, उनकी भी सेवाएं समाप्त हो रही हैं, लेकिन सिर्फ आंगनबाड़ी की बात करें तो 47,000 ये बहने जा रही हैं। इनमें से करीब 25% यानी 62 साल के ऊपर की हैं। तो जो बहने हमारी 62 साल के ऊपर की हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 47,000, अब बहुत भारी संख्या, इतने परिवार जो है उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ना ही पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। और तो और मानदेय बढ़ाने के जो लंबे लंबे वादे किए थे अपने सत्ता में आने से पहले, उनको भी आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। 1500 जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी बढ़ाए थे वो भी आज तक वो दे नहीं पाए। तो ऐसे में लोगों के मन में काफी रोष है। उर्वशी बहन है आंगनबाड़ी ब्लॉक वगैरह सकीट जिला वगैरह, उनका कहना है एटा उत्तर प्रदेश से हमारी बहन है, जानकारी उनके पास ये फॉरवर्ड करके मैसेज आया, तो उन्होंने ऑल इंडिया को भी भेज दिया है। तो बड़ी एक खबर है कि 47,000 बहने जाने की उम्मीद है। ऐसे में लेटर भी निकल रहे हैं, यानी पूरी तरीके से बहने हटाई जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यही चीजों को लेकर के यदि प्रयास पहले हुए होते, जैसे निदेशालय से आदेश निकला था 2-3 महीना हो चुका है, तो यहां पर शायद अभी इन बहनों की नौकरियां बच गई होती। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जो अभी बहुत सी बहनें नौकरी भी कर रही होती। अब आगे आपको बता दें, ये एक व्यक्ति है, देख लीजिए, डॉक्टर महोदय हैं, काफी ये चर्चाओं में अभी बने हैं। ये कल इनकी खबर निकली है, किडनी वगैरह जो कांड था उसमें शामिल है। कहने का मतलब है देवेंद्र शर्मा ये जो है इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है, ये जो स्वस्थ आदमियों को जो है कोरोना पेशेंट बता देते थे और उन सबकी किडनियां निकाल लेते थे। ऐसे में जिन जिन की किडनियां निकाली 125 लोग थे और सभी की डेथ भी हो चुकी है। साथ ही बता दें, अगला यहां पर एक मैसेज देख सकते हो, यानी अगला एक लेटर देख सकते हो, सरकारी आदेश है, वो है नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ से। तो यहां पर देखिए 4/8/2020 का किसी भाई बहन ने मुझे भेजा है, और इसमें लिखा है सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारित संरचना एवं खुलने की स्थिति पर जो विवरणी है वो 100% दर्ज कराने के संबंध में बताया गया है। कहने का मतलब है, लिखा है कि सीएस जो आपका एप्लीकेशन है उस पर आईसीडीएस कैश वाली प्रतिवेदन के अनुसार अभी आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा यानी आंगनबाड़ी केंद्रों का आधारिक संरचना एवं खुलने की स्थिति की विवरणी 100% कैश में अपलोड नहीं की गई है, और निर्देशानुसार जिला कार्यालय से बार बार दूरभाष एवं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित भी किया जा रहा है, परंतु अद्यतन स्थिति संतोषजनक नहीं है। ज्ञात हो कि आपके द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से पहले ही सभी केंद्रों का जो है उपलब्ध आधारभूत संरचना शौचालय एवं पेयजल के साथ में 100% दिया जा चुका है। साथ ही बताना चाहेंगे, अतः आप सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर केंद्रों का आधारभूत संरचना के साथ साथ केंद्रों के खुलने की स्थिति पर 100% जो है कैश में दर्ज करें, अन्यथा निदेशालय स्तर से की गई जो है किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो ये आप देख लीजिए, नालंदा से ये एक लेटर जारी था, मैंने आप लोगों को बिहार की बहनों दिखाया। आगे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही जरूरी आदेश है, और ये आदेश आ रहा मेरठ से, हमारे पास किसी बहन ने भेजा है कल, उनका कहना है जिला कार्यक्रम अधिकारी ने डीपीओ महोदय का लेटर है, 4/8/2020 का ये लेटर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेरठ से है। मेरठ में जो है डीपीओ क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है बाल स्वास्थ्य पोषण माह जुलाई 2020 के संबंध में, अभी आपका बाल स्वास्थ्य पोषण माह बहनों मनाया जाएगा, इसके बारे में जानकारी आ चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय है, कार्यालय पत्रांक पड़ा हुआ है, और इसमें देख सकते हो 30 जुलाई 2020 द्वारा भी अवगत कराया जा चुका है कि दिनांक आपका 8 अगस्त आने वाली, यानी 8 अगस्त अभी आने वाली है, तो अभी 5 तारीख है, लेकिन 8 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक आपका बाल स्वास्थ्य पोषण माह का आयोजन बहनों किया जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग एवं बाल विकास परियोजनाओं ये
दोनों मिलकर के जो है यहां पर जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए की आयु के सापेक्ष जो है उनकी जो है पहली से नौवीं खुराक वगैरह नियमित टीकाकरण से अच्छादान वगैरह उनको किया जाएगा। तो अभी विटामिन ए की खुराक वगैरह पिलाई जाएगी, यही सब कुछ होगा, तो उनकी जो है यहां पर आयु के अनुसार उनको पिलाई जाएगी। अब यहां पर देखिए 0 से 5 वर्ष वाले शामिल है। इसमें लिखा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आगामी टीकाकरण दिवसों पर्यवेक्षण कर उपयुक्त संबंधित पत्र में दी गई वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट प्रेषित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला ग्राम जो है जिस ग्राम में टीकाकरण है उस ग्राम की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों की सूची सहित टीकाकरण सत्र में उपस्थित रहें। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यह भी निर्देशित कर दें कि टीकाकरण सत्र में अनुपस्थित रहने वाली कार्यकर्तियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक वगैरह कार्रवाई भी की जाएगी। मेरठ से विनीत कुमार सिंह जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनका यह आदेश है। तो अभी आप लोगों को लेकर यह सब कुछ देखने को, टीकाकरण भी मिलेगा, विटामिन ए की खुराकें भी होंगी, सब कुछ होगा। यानी आपका बाल स्वास्थ्य पोषण माह मनाया जाएगा 8 अगस्त से लेकर के आपके सितंबर में जो है 5 सितंबर तक मनाया जाएगा। साथ ही आगे चलते हैं और भी आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे हमारे पास ये एक बड़ी खबर आ रही है, आप लोग देख सकते हो नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षक जो है कैडर वगैरह कर तैयार करने को लेकर के जोर दिया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बता दें, शिक्षकों और डिप्लोमा जो शिक्षकों और आंगनबाड़ी वर्करों को करने होंगे डिप्लोमा कोर्स, इसके बारे में मैंने कई वीडियो में आप सबको जानकारी दी है। कल भी मेरे पास एक बहन ने मुझे ये भेजा है, अभी हम आपको जैसे बता देखिए, देख लीजिए यह होगी प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया में लिखा है एनसीईआरटी वाले जो है वो अपना एक बनाएंगे सर्टिफिकेट कोर्स टाइप का, डिप्लोमा का पाठ्यक्रम भी वही तैयार करेंगे। इसके बारे में मैंने कई माह पहले आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। बहुत से लोग जो पहले डेली वीडियो हमारा देखते हैं उनको पता रहता है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कराया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बारे में भी मैं बता चुका हूं, बेसिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी जरूरी होंगे दोनों कोर्स, साथ ही प्री प्राइमरी कक्षा 2 तक के लिए एक जो है पृथक कैडर का ढांचा भी तैयार किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए कोर्स तैयार हो रहा ना, उसको उससे काफी मदद मिलेगी बच्चों को पढ़ाने समझाने में, ये सब करने में, और इसीलिए आप सबको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही बता दें यूं ही होंगी पढ़ाइयां, तो पढ़ाइयों को लेकर के आपको दोनों कोर्सों में मिल जाएगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी कोर्स मिलेगा ये बच्चों के लिए। इससे डिजिटल डिस्टेंसिंग एजुकेशन और आपका डीटीएच वगैरह लिखा है चैनल के साथ स्मार्टफोन के माध्यम से सबको ये सब कुछ दिखाया जाएगा, शिक्षण वगैरह सब कार्यक्रम चलेंगे, यही सब कुछ बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, जैसे उत्तराखंड की बात कर ले तो यहां पर आपके 10,000 जो है बताया जा रहा शिक्षक भी रहेंगे और 25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर भी इसमें लगाई जाएंगी। तो ये सिर्फ उत्तराखंड की अगर माने तो वहां पर शिक्षक भी लगेंगे और आंगनबाड़ी। अब आपको बता दें जो प्री प्राइमरी में स्टार्टिंग शायद जो आपके कक्षाएं हैं उनमें कौन रहेगा, जो 3 साल रहेंगे उनमें आंगनबाड़ी रहेंगी, बाकी कक्षा 1 और कक्षा 2 में शायद आपके टीचर वगैरह तैनात किए जाएंगे, जो भी हो एक्स वाई जेड, या फिर आपके शिक्षा मित्रों को लगाएं। तो अभी जो भी गाइडलाइन जारी होगी वो बताई जाएगी। अभी जो भी आप न्यूज पेपर में देख रहे हो ये अधिकारियों के मौखिक बयान के आधार पर न्यूजें आ रही है जो आपके पेपरों में, लेकिन जब तक आदेश ऑल इंडिया जैसे हर आदेश की जो है आप लोगों को सच्चाई दिखाता, जब तक आदेश नहीं आता तब तक आप लोग ये मान करके चलो कि हम सब जो है यहाँ पर जो भी है उन चीजों को बस अपने दिमाग में रखिए, बाकी ये मत समझिए कि बिल्कुल जो भी है सब सच है, जिसमें है सच, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को आदेश का सिर्फ इंतजार रहता है, क्योंकि आदेश है तो सब कुछ है, बिना आदेश के मौखिक रूप से पलट भी सकते हैं। आगे बता दें निर्मला देवी बहन है, उनका भी यहाँ पर मैसेज आप देख सकते हो, उन्होंने भी ये अन्नप्राशन वगैरह शायद कराया हो उसकी, मुझे नहीं, हाँ अन्नप्राशन वगैरह लग रहा है या फिर कुछ और स्तनपान के बारे में शायद जो बहन जागरूकता वगैरह अभियान चला रही हूँ, क्योंकि अभी स्तनपान को लेकर के जो है वो चल रहा है, सप्ताह चल रहा है। जिला चंदौली से है, ब्लॉक जो है साहबगंज पड़ता है वहां से। साथ ही देख सकते हो ये हमारी बहन है, वो भी जो है बच्चे के घर जाकर के यही सब कुछ बता रही है। अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं, कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे ये देखिए मेरे पास एक आया है फोटो, और नाम वगैरह कुछ भी नहीं भेजा गया है, यहाँ पर जो है आपका पोषण माह वगैरह टाइप का मनाया जा रहा है। साथ ही बता दें आगे चलते हैं और भी देख सकते हो, अगला मैसेज है उर्वशी के नाम से जो थी उन्हीं का है, और ये 62 साल वालों को लेकर के था, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पर लगभग 47,000 आंगनबाड़ी बहनें उत्तर प्रदेश में हटाई जा रही है। अगला मैसेज देख लीजिए, राधा कुमारी बहन है, उनका भी लगा है, और उन्होंने जो है यहाँ पर लिखा है राधा कुमारी के द्वारा धात्री माता को स्तनपान संबंधित जानकारी देते हुए जागरूक वगैरह किया गया है, पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है, यही सब कुछ बताया गया, शहद घुट्टी कुछ भी नहीं देना है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही करनालगंज वगैरह गोंडा से है। अगला मैसेज आप देख सकते हो मेरे पास आया है नालंदा से है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। नालंदा में यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आपका 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह
जो है मनाया जा रहा है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में भी है, वहां पर भी हर जगह है। ऐसे में बता दें, ये देखिए एक से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन अचूक रूप से जो है करते हुए स्वास्थ्य समिति बिहार पटना को जो है समय सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसके बारे में पहले भी जानकारी जो है दी जा चुकी है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको दिखा दें अगला एक आदेश जो आया है मेरे पास, ये सीतापुर से और ये 31 जुलाई का लेटर है। इसमें आप लोगों को हम कुछ बताना चाहते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सहायिका इनको विभागीय कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में आदेश आया है। जैसे कि यहां पर आपका 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, 11 से 14 वर्ष के स्कूल ना जाने वाली किशोरी, इनमें जो है कुपोषण दूर करने हेतु अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण सहित विभिन्न जो है संदर्भ सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका और मिनी इनके द्वारा किया जाता है। उक्त योजना जैसे कि इसमें लिखा है, जिनमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन, पोषाहार वितरण, मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना आदि है। इसमें रुचि नहीं ली जा रही आंगनबाड़ी के द्वारा, इसीलिए यह आदेश निकला है। इसीलिए कैश के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यहां पर बताया गया स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें कि विभागीय योजनाओं का संचालन रिपोर्टिंग में इसका उपयोग कर सके और उक्त रिपोर्ट के आधार पर डैशबोर्ड पर प्रदर्शित भी डेटा जो है होता है, लेकिन यहां पर वो भी नहीं हो रहा है। तो इसी के संबंध में यहां पर जानकारियां आ रही है और काफी रोष है। बाकी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली बहनों को उनकी मानदेय सेवाएं रोकने का भी इसमें आदेश जो 31 वाले में लगा हुआ है, जो सीतापुर से जारी है। तो ऐसे हर जनपद में उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर करने को लेकर के, उनको हटाने को लेकर के बातें चल रही हैं और आदेश भी निकल रहे हैं, काफी बहनें हट भी गई। अब ऐसे में यदि वो काम करती हैं तो उनको मानदेय नहीं मिलेगा, साफ शब्दों में पहले बता रहा हूं, क्योंकि मानदेय सेवाएं रोक दी गई, आप लोगों की आदेश निकल चुका है। अब ऐसे में वो 47,000 बहनें अपने हक के लिए लड़े, यदि समय रहते इनके हक के लिए हर कोई लड़ा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार ही आंगनबाड़ी को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज सेविका है और जब तक सरकार इनकी सेवा नियमावलियां नहीं बनाती, इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने में दिक्कत होगी, इनका मानदेय की जगह वेतन देने में भी दिक्कत होगी। हर काम, हर चीज की जड़ यही है कि आंगनबाड़ी की सेवा नियमावलियां ठीक नहीं है, ये समाज सेविका है, इसीलिए इनको जो किसी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं लाया जाता, इसलिए इनका कोई पेंशन का प्रावधान नहीं रखा गया, इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन कहने के लिए तो भी एक सच्चाई है कि जो हमारे नेता लोग होते हैं ये भी एक समाज सेवी हैं, लेकिन इनके लिए फिर पेंशन क्यों होती है, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है। अब इसका जवाब ये है, करता धरता भैया सब वही है, वही खाते हैं, वही बजाते हैं। कहने का मतलब है सब कुछ है तो उनका, ये सरकार उनकी है, वही है, सत्ता में भी वही है, विपक्ष में भी वही है, 5 साल ये रहेंगे, 5 साल वो रहेंगे, तो अपने लिए वो जो भी करेंगे उसका वो लोग विरोध नहीं करते, उसको तुरंत लागू करवा लेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, ना किसी से उनको राय लेनी है, जो भी उनको चाहिए होता है अपने खुद के लिए वो कर लेते हैं। हम लोगों के लिए दिक्कतें हैं, हम लोगों के लिए लकीरें खींच दी गई है कि आप इस दायरे में रहो। अब आगे आप लोगों को बता दें, एक बहन है हमारी रश्मि दीदी, और उन्होंने भी अपनी ये तस्वीर भेजी है, घर घर जाकर के लोगों को जो जागरूक वगैरह शायद कर रही है, ऐसे में पोषाहार का वितरण भी उन्होंने तस्वीरें काफी भेजी हैं, तो आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, आपको बता दें अगला मैसेज देखिए, हमारे पास साजिदा खानम बहन है और उनका कहना है, हमारे जो है तेलंगाना से है हमारी बहन, डिस्ट्रिक्ट वगैरह शायद आदिलाबाद वगैरह ऐसे कुछ लिखा है, वहां से न्यूज है कि जो है CDPO और सुपरवाइजर का ICDS डिपार्टमेंट में आंगनबाड़ी टीचर, आंगनबाड़ी जो है आया या फिर मिनी टीचर या जो है आया, कोई भी COVID-19 हो गया है तो जल्दी से जल्दी फोन कॉल के जरिए इन्फॉर्मेशन जो है देने को कहा गया है। हमारे यहाँ पोषाहार आंगनबाड़ी में ही जो है बांटा जाता है, घर घर जाकर के नहीं बांटते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हम आंगनबाड़ी टीचर्स के साथ अलग अलग जो है यहाँ पर बर्ताव भी होता है। ये सच्ची न्यूज है भैया, दिखाना तो बिल्कुल बहन, तो वही तो कहते हैं जो भी हमारी बहनें जिन जिन राज्यों से हैं अपनी समस्याओं को हम तक ला सकती हैं, वो आपकी आवाज ऑल इंडिया पर आ सकती है। इससे क्या होगा, आपके वहां से बहनें जो है जुड़ेंगी, धीरे धीरे जानकारियां भी इकट्ठा होंगी, आपके वहां से भी सच्ची खबरें आप लोगों को मिल जाएंगी, समय रहते पता चलता रहेगा आगे क्या होने वाला। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में बता दिया था कि जो है आगे बहनें रिटायर की जाएंगी हमारी, लेकिन उन पर फोकस नहीं रहा हमारे लोगों का, यूनियनों का, उनको जरूरत तब होती है जब उनका पैसा खर्च होने लगता है, जब उनको लगता है कि जो है सत्ता पलटने वाली है, चलो धरना कर ले, चलो अब फिर से कुछ करना है, फिर से किसी बहाने पैसा लेना है, बस यही। ये हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं, हमारी बहनें खुद कह रही हैं जो ये तकलीफें झेल रही हैं, जो पैसा जिनसे वसूला जाता है वो बहनें खुद जानती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि समय रहता है चलो धरना कर लो, होगा कुछ नहीं, फिर चले आए, घर चले आए, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो धरना करता है वो पैसे की जरूरत नहीं है, वो धरने पर बैठ जाएगा, अपना अकेले भी बैठा रहेगा, और पैसे की क्या, जो अपना अपना खर्चा अपनी बहनें धरने पर जो आती है वो अपना देखें, पैसा वसूलने की क्या जरूरत है, समझ लीजिए वसूला गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों।